हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आपको ड्यू टू इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने एक इमेज जो है वो फोटोशॉप में ओपन की हुई है। अगर आप इस इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले एक है जिसमें लेयर ऐड करते हैं ब्लैक एंड वाइट। यहाँ से अब ये जो ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर है उसमें हम कलर वाइज कंट्रोल कर सकते हैं कितना डार्क करना है उस कलर को, कितना ब्राइट करना। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास येलो कलर था, तो अगर मैं इसको एक्टिवेट करूँ और येलो स्लाइडर को हम इस तरफ लेके जाएं तो बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से इस तरफ लेके जाएं तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। इसी तरह हम रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि आप इसके सेटिंग्स वगैरह छेड़ना शुरू करें। हम जस्ट इमेज को ब्लैक एंड वाइट करें, और मैं चाह रहा था कि जो हमारा येलो है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाए। अब हम ऐड करते हैं ड्यू टू इफेक्ट। सो यहाँ से एक और एडजस्टमेंट लेयर है जो कि है ग्रेडियंट मैप। अब यहाँ से इस जगह पर क्लिक करना आपने, ठीक है, ग्रेडियंट एडिटर ओपन करने के लिए, और यहाँ पर हम ग्रेडियंट तैयार करते हैं। इस जगह पर क्लिक करें और ये बेसिकली जो इमेज के अंदर डार्क पोर्शन है, ठीक है, ये जो शेडोज हैं इसको रिप्लेस करता है इस कलर से। ये देखें तो ऑब्वियसली मैं ये थोड़ा सा डार्क रखूंगा कलर, और यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ। और जो वाइट एरिया है, ठीक है, ये जो वाइट है वो आपका ये वाला स्लाइडर रिप्लेस कर देगा कलर। तो यहाँ पे क्लिक किया और कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ से येलो, और येलो की बजाय हम थोड़ा सा पिंकिश कर लेते हैं। ये देखें तो कितना इंटरेस्टिंग इफेक्ट बन गया। और अगर आप चाह रहे हैं किसी कलर की ज़्यादा पावर हो, ठीक है, ज़्यादा वो डार्क हो या ज़्यादा कलर दिखे वो वाला, तो हम उस जगह पर क्लिक करेंगे और साथ ही एक और क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इस स्लाइडर को पकड़ के हम थोड़ा सा इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इस स्टॉप को। सो उस कलर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। आई थिंक इतना ठीक लग रहा है। लोकेशन जो है यहाँ पर सेट कर दी और ओके प्रेस कर दी। ये हमारा ड्यू टू इफेक्ट रेडी है। हम ऑलमोस्ट हर इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस इमेज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसकी बैकग्राउंड जो है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स को हाइड कर देते हैं, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करें, यहाँ पर जाएं और सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो इस तरह हुई, यानी रफ सी सिलेक्शन बनी है सेलेक्ट सब्जेक्ट से। और जो मैं फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है फोटोशॉप CC 2019। और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली आपने साथ साथ इसके क्लिक करते रहना। ये देखें, सो आई एम जस्ट रिमूविंग द बैकग्राउंड। अब आपने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और न्यू लेयर विद लेयर मास्क और ओके प्रेस कर दें। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ से सॉलिड कलर ऐड करते हैं। सॉलिड कलर जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से येलो ही ऐड करने लगा हूँ, ब्राइट सा येलो ऐड करते हैं। वी कैन चेंज इट लेटर, हम किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, और ओके प्रेस कर दें। अब हम अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स को एक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स को ऐड किया है, वहाँ से पूरी इमेज दोबारा उसी रिजल्ट पे आ गई, ठीक है। तो हम मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इस जो पोर्ट्रेट है हमारी सिर्फ इसके ऊपर इफेक्ट रहे और जो बैकग्राउंड के ऊपर ना रहे। और चूंकि हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया उसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो राइट क्लिक करेंगे अब यहाँ पर और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इसके बाद दोबारा ग्रेडियंट मैप के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये देखें, एक ज़बरदस्त सी इंटरेस्टिंग सी इमेज हमारे सामने बन गई है। हम बैकग्राउंड पर कुछ चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कर्वेचर पेन टूल ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर और एक सर्कल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कर्वेचर पेन टूल से बनाया। इसको क्लिक और ड्रैग करके हम लेके जाते हैं यहाँ पर और इसका कलर कर देते हैं वाइट, क्वाइट लुकिंग गुड। कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसका साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी जगह हम कोई और शेप भी ऐड कर सकते हैं, और इस इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से ये एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करें और कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है,
और ओके प्रेस कर दें तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हो गया कलर, हम यहाँ से डार्क करते हैं। और ये रहा हमारा ड्यू टोन इफेक्ट, बहुत ही आसान लेकिन इफेक्टिव। इस तरह के इफेक्ट जो है मोस्टली बैनर्स पे या एल्बम आर्ट के ऊपर हम यूज़ करते हैं। आई होप ये इफेक्ट आपको पसंद आएगा और अमेजिंग सी फोटोज़ बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके इसके रेलिवेंट तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लाइक तो बनता है, ठीक है, इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।